महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे गजानन गणपति भगवान की जय सिद्धि विनायक भगवान की जय महालक्ष्मी मात की सद्गुरु देव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की हम सब का मन भगवती माँ महालक्ष्मी के श्री चरणों में लगे ऐसे सुप्त भाव से आइए दो क्षण अष्ट महालक्ष्मी स्तोत्र का पारायण करते हैं। ओम सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहो तरी है मम ये मुनि गण मंडित मोक्ष प्रदायिनी मंजुलभा
श्रेणी वेदनु ते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण श्रेणी शांति युते जय जय हे मधुसूदन का आदि लक्ष्मी सदा पालय माही कलि कल्मश नाशिनी कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणि मंत्र निवासिनि मंत्रनुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनी धान्यलक्ष्मी सदा पालय मां जय वरवर्णिनी वैष्णवी भार्गवी मंत्रस्वरूप मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र पर ब्रज ज्ञान विकासिनी भव भय हारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन लक्ष्मी सदा पालय मां जय जय दुर्गतिनाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये जग जुरगपदादि समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणी पापयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण यमाम अहि खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविव ज्ञानमये गुण गण वारिधि लोकहिते सरसत भूषित काननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित हे जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी त्वं कमल जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गामये अनुदितमर्जित कुंकुमधूसर भूषित वाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक हे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी सदा प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विना रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समा हास्य मुखे नवनिधिदायिनी कलिमलहा निकामित फल प्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन का विद्यालक्ष्मी सदा पालय मां धिमि धिमि धिम धिमि धिम धिमि धिम दुंदु विनाद सुपूर्णमये धुम 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 कुसंघ निनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग
शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण आम जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण जय माम जय जय हे मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम बोलिए अष्ट महालक्ष्मी माता। आइए दो क्षण भगवान नारायण का संकीर्तन करते हैं और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान की। माँ भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान नारायण की परम कृपा से आयोजित इस अष्ट महालक्ष्मी माँ भगवती के दिव्य अष्ट दिवसीय कथा में आयोजित और समागत समस्त भक्त वृंद के हृदय में विराजमान माँ भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए सबको खूब हृदय और भाव से जय श्री कृष्ण। परमात्मा की कृपा से हम सब लोग दिव्य महालक्ष्मी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। देखते देखते 8 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। परमात्मा की कृपा इतनी दिव्य होती है, कहा गया है शास्त्रों में जितनी दिव्य परमात्मा की कृपा होती है इतनी ही दिव्य भगवान की कथा भी होती है। दिव्य कृपा का जिस तरह से अनुभव किया जाता है जीवन में, बिल्कुल उसी तरह से भगवान की दिव्य कथा का भी अनुभव हम जीवन में कर सकते हैं। तो परमात्मा की कृपा से हम सब लोग कई दिनों से
महालक्ष्मी के दिव्य कथा का रसपान कर रहे थे। माँ लक्ष्मी के विभिन्न चरित्र, माँ लक्ष्मी के विभिन्न रूप, ये हमारे जीवन को सुख से भर देते हैं। माँ लक्ष्मी ने इस पृथ्वी को दिव्य बनाने के लिए इस धरा पर, धरातल पर रहने वाले समस्त मनुष्यों के मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ स्वयं भगवती लक्ष्मी ने एक बार नहीं, अनेक बार अवतार धारण किया। महालक्ष्मी के कतिपय अवतार सुख देने वाले, समृद्धि देने वाले और ऐश्वर्य देने वाले माँ के स्वरूप है। परंतु उन सभी अवतारों में कई अवतार ऐसे भी है जो हमारी लक्ष्मी को छीन भी लेते हैं। बोलो, जैसे कृष्ण, माँ लक्ष्मी का एक अवतार ऐसा भी है जो लक्ष्मी ले लेते हैं। कैसे? तो शास्त्र में बताया गया, लक्ष्मी जब आती है तो व्यक्ति का मन भौतिक विलासों में ज्यादा प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए वो ही महालक्ष्मी कृपा करके उनके पास से सभी संपत्ति को, संपदा को, लक्ष्मी को ले लेती है। और जब संपदा चली जाती है तो अपने आप हमारा मन भगवान नारायण